अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई भाई, आज मैं आपके साथ रात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बारिश वाला मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, मौसम काफी खराब हो रहा था। और आप लोगों को तो पता है हमारी ये जो चीजें हैं हम लोगों ने बाहर शहर में रखी हुई है, तो ये गिरी हो सकती है। तो मैं जो है ना इसको अंदर रख रही हूँ ताकि ये चार पनीर जो है ना खराब ना हो। बेशक बारिश हो वो तो बात सही है, लेकिन आपको पता है मेरे तो इधर किचन भी नहीं है। मैंने तो इधर किचन अपना थोड़ा सा ना सेट किया हुआ था, तो अब ये सारी चीजें सारी गीली हो जाएंगी। अब मैं इसकी इनको उठा के बारिश आ गई है और चीजें जो है ना सारी इधर समेट के रखनी पड़ेगी। और आपको मेरे ध्यान भाई पता है कि यहाँ पे मेरे इधर किचन नहीं है और इधर थोड़ा सा शेड है जिसमें मैंने ना अपना शेल्फ रखा हुआ था जो बर्तनों वाला, और मैं सोच रही हूँ गीला ना हो, तो मैंने फटाफट जो है ना इधर अंदर रख दिए ताकि मेरे जो मसाले वगैरह है और जो भीड़ है वो खराब भी ना हो। और आपको तो पता है कोई भी चीज खराब हो जाए तो कितना महंगाई का दौर है, हर चीज को तो आग लगी पड़ी है। गरीब बनने के लिए तो बारिश भी जहमत की बजाय जहमत बन जाती है। तो सारी चीजें मैंने सारी अब अंदर रख दी थी, बेशक मौसम ठंडा हो गया था उनको देखूं गर्मी। बारिश से कोई भी चीज खराब ना हो। मौसम मजा आ रहा है, शुक्र है गर्मी का दूर पता हो। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बारिश देखें ऐसे ऐसे तेज होती जा रही है। और मैंने जो है ना वक्त से पहले ही अपनी जो सारी जो चीजें हैं सारी उठा के मैंने बरामदे में रख दी है। अभी ये जो चार पहिए हैं ये कैरिंग गीली ना होते तो वो जो है ना इसको ऐसे रखते ताकि इसका जो बाल है ना वो गीला ना हो, सुबह हम आराम से बिछा सके। और अब काफी तेज हो रही है बारिश, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, गर्मी का जो जोर था वो तो टूट गया, लेकिन बस अल्लाह पाक उतनी बारिश दे कि हमारे लिए बस जहमत बने और जहमत ना बने। हवा भी ठंडी चल रही है और काफी मजा भी बहुत आ रहा है। और अब तेज हो रही है, मेरे कपड़े जो है ना वो गीले हो रहे हैं। मेरा पूरा जो सहन है फर्श सारा गीला हो गया, वो बारिश ऐसे आ रही जैसे तूफानी बारिश हो। और लगातार अपनी रहमत रखे। तो मैं चलती हूँ अंदर और अंदर करती हूँ बिस्तर, देखती हूँ अंदर क्या सूरत हाल है। और बच्चे जो है ना वो लाइट भी चली गई है, और आपको पता है बारिश का मौसम था तो उन्होंने लाइट भी पहले ही से पहले वो कर दिए। तो आपको तो पता है वैसे हमारे पाकिस्तान में लाइट जाने का जो शेड्यूल है ना वो तो सब चीजों से बेहतर है, मैं तो आपको यही बताऊंगी। और अब मैं करती हूँ बिस्तरे वगैरह अंधेरे में, और इंशाल्लाह मैं अब आपसे सुबह मिलूंगी। मैंने सोचा थोड़े से अपने व्यूअर्स के साथ बारिश का जो मौसम है वो भी शेयर करूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाई, यहाँ पे देखें सुबह भी हो गई है और सुबह के टाइम जो है देखें बारिश हो रही है मुसलसल। जो रात से बारिश होना शुरू हुई है ना तो ये जो है ना बारिश मुसलसल हो रही है, ये देख सकते हैं आप। और मैं जो अब बना रही हूँ चाय, के बच्चों को सुबह पता नहीं अभियान जाता नहीं जाता क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, देखते हैं बच्चे बेचारे क्या करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो बिस्तर वगैरह खेले पड़े हैं ये सारे समेटूंगी
सुबह जो है ना मैंने उसकी नमाज पढ़ी है, सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंड भी आज लग रही थी, ऐसे लग रहा था मुल्तान में मरी जैसा मौसम है। तो पहले ये जो है 4 बजे खड़ी करूंगी, क्योंकि जब सैन है तो बारिश आ रही है। बिस्तरे सारे फैले पड़े हैं और कमरा पूरा फैला पड़ा है। चले जी बिस्तरे मैंने समेट लिए, अब मैं बनाऊंगी चाय। बस और चाय जो है ना उसके साथ अच्छी लगती है। उधर जो था ना सारा बरामदे में बारिश भी हो रही है सारे शहर में, और उधर जो है ना हवा क्रॉसिंग हो रही है, खुले को जो है ना सेक भी नहीं लग रहा। डालेंगे हम पत्ती, बारिश मुसलसल हो रही है बहुत, और बहुत बच्चे पकड़ी जाते हैं नहीं जाते। चाय भी मेरी यहाँ पर पक गई है, मेरी चाय बन गई थी। ये मंगा लिए हैं मेरे बिस्किट, और बिस्किट भी साथ साथ मंगवा लिए हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है और हल्का फुल्का नाश्ता भी अच्छा लग रहा है। तो ये रियान आकर ले लो आप नाश्ता, ठीक है आ जाओ। ये बस बारिश के मौसम में चाय पीनी है वो आ गए और चाय पी ले। ये आपको पता है बारिश के मौसम में तो चाय बहुत मजे की लगती है। तो जी मैं आप देख सकते हैं बारिश जो थी ना वो रात को आई थी बहुत खूब,
और अब खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे देख के कितना गंदी हो गया, और सारा जो है ना धूप में निकल आई है, सारे इधर सफाई भी करनी पड़ेगी। और अब जो मैं आपको पता है मेरा किचन जो है ना नहीं है, और मैं चीजें मुझे रात को अंदर रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ी थी, और अब मैं इनको बाहर दोबारा से सेट करूंगी, क्योंकि ये बरामदा बहुत छोटा है। सबसे पहले तो चार पहिया निकालती हूँ, बरामदा बहुत छोटा है, इधर बरामदे में एक चार भी मुश्किल से आती है और हम सो भी नहीं सकते। अब धूप बहुत तेज निकल आई है और जो है ना गर्मी दोबारा से बढ़ गई है। चलो एक दिन तो मौसम अच्छा था, अल्लाह ताला की रहमत हुई है, ये शुक्र है कि ज्यादा बारिश नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा बारिश से भी नुकसान होते हैं। और अब जाती हूँ अंदर, ये देख सकते हैं सारा कपड़ा जो है ना वो सारा का सारा फैला पड़ा है, और मैं इस कमरे को साफ करूंगी, सेट करूंगी, क्योंकि चीजें सारी फैली पड़ी है, रात को बारिश आई थी इसके पूरा कमरा जो है ना सारा का सारा फैल गया। और मैं इसको अब करूंगी साफ, और मैं आज कपड़े भी धोने, कपड़े सारे मैले हुए पड़े हैं। पूरे बच्चों ने ना कमरा भी कुछ फैलाया हुआ है, कुछ रात को बारिश की वजह से भी फैल गया था सारा कमरा, और ये जो है ना चिंटे का। आप देख सकते हैं सारा बेड मैंने साफ कर लिया था, चादर भी झाड़ ली थी, और कमरा भी तकरीबन मैंने समेट लिया था। और इधर इस चारपाई में बच्चे वगैरह पढ़ रहे थे, किताबें वगैरह देख सकते हैं, पेन वगैरह फैले पड़े हैं, बच्चों के पेपर हो रहे हैं। तो मेरी वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, तो मैं अपनी वीडियो का करती हूँ यहाँ पे इख्तिताम। और खत्म करने से पहले मेरी यही आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।